Now moving on to Cancer, कर्क. The moon rules over your sign. Cancer जो है वो moon का अपना ही sign है. And when it's experiencing a major transit, it has a deeper impact on your emotions and inner world. So आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा transformational time है ये. This occurs in your subconscious mind and is an opportunity to tap into your intuition and heal your spirit in order to fully trust your internal voice. ये आपके लिए बहुत transformative time है अपने आप को समझने का, पहचानने का और अपने emotions को अच्छे से express करने के लिए. This is a beautiful opportunity. So lunar eclipse self-care tip for you Cancerians is breathwork can bring profound healing to your spirit and physical body, especially when it comes to releasing trapped emotions and past challenges. So, थोड़ा सा breath work करिए, थोड़ा सा breath meditation करिए और ये आपके जितने भी blockages हैं उनको open up करने में आने वाले time में बहुत benefit करने वाला है. So, this is for Cancerians. Now, moving on to Leo, सिंह राशि. You are realizing your truth and are ready to share. आपको अपनी खुद की पहचान हो रही है और आपके अंदर जितनी भी पावरफुल एनर्जीज हैं, पावरफुल आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, यू आर रेडी टू शेयर एंड एक्सप्रेस टू द वर्ल्ड. एज अ रिजल्ट यू कैन रिसीव मोर अटेंशन एंड अक्लेम फॉर बीइंग यू एंड ऑथेंटिकली कम्युनिकेटिंग योर इमोशंस आउट टू द वर्ल्ड. ये बहुत अच्छा टाइम है कम्युनिकेशन के लिए, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, अपने विचारधाराओं को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए. बहुत ही अमेजिंग टाइम है आप लोगों के लिए. सो लूनर सेल्फ केयर टिप फॉर यू इज एज अ नेचुरली क्रिएटिव साइन सेटिंग योर इंटेंशन फॉर योर मैसेज विजुअली कैन हेल्प यू मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी. Take time to think about what you want to share with the collective and create a vision board specific to your hopes, dreams and wishes. The more specific you are, the better. आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, आपको अपने विजन को एक्सप्रेस करना है, आप क्या चाहते हैं उस विजन बोर्ड के अंदर आप पिक्चर्स लगाइए, आप अपने माइंड के अंदर वो विजन्स बनाइए, आप लाइफ में क्या चाहते हैं और किस तरीके से आप और भी लोगों की इस अपनी विजन की क्लैरिटी से हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ को यूज़ करिए. और अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये टिप फॉलो करेंगे विजन बोर्ड बनाने का और अपने विजन्स को अच्छे से एक्सप्रेस करने का, तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले टाइम में. सो दिस इज फॉर लियोस. नाउ मूविंग ऑन टू वर्गो, कन्या राशि. योर करियर इज अंडर द लूनर स्पॉटलाइट. करियर के लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम है आप लोगों का एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर ग्रोथ एंड विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ पर्पस. सो लूनर एक्लिप्स सेल्फ केयर टिप फॉर वर्गोज इज एज योर प्रोफेशनल लाइफ इज गोइंग टू अंडरगो चेंजेस. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बढ़िया चेंजेस आने वाले हैं. इट कैन ब्रिंग अनसर्टेनिटी टू. सो जब भी कुछ नई चीज़ की शुरुआत होती है तो डेफिनेटली थोड़े बहुत स्ट्रगल्स हमको झेलने पड़ते हैं. सो यूजिंग द पावर ऑफ गाइडेड मेडिटेशन कैन रिवर्स डिफिकल्ट थॉट पैटर्न्स एंड इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी. अगर आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, इफ़ यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन इट इज़ गोइंग टू रिमूव द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर लाइफ. इट इज़ गोइंग टू ओपन द डोर्स फॉर ग्रोथ एंड अबंडेंस. So this is the tip for Virgos.